हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे अंडरग्राउंड वायरिंग जो होता है, पाइप जो होता है उसमें वायर कैसे खींचते हैं, कैसे वायर डालते हैं, यानी वायर पुलिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, वायर पुलिंग करने के लिए यूज जो किया जाता है, एक होता है GI, एक GI वायर, एक होता है स्टील वायर, एक होता है स्प्रिंग वायर। GI जो होता है जनरली मिल जाता है, स्टील वायर जो है जनरली मिल जाता है। स्टील वायर आपको इलेक्ट्रिक के दुकान पे मिल जाएगा, GI जो है आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा। लेकिन स्प्रिंग वायर की बात करें, जो स्प्रिंग बॉक्स होता है वो हर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन वो भी आपको बहुत से इलेक्ट्रिकल दुकान पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल दुकान पे नहीं मिलेगा तो हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा। जैसे स्प्रिंग वायर कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये भी हम आपको क्लियर तरह से बता देते हैं। स्प्रिंग वायर घर में भी यूज होता है, जो पर्दा होता है ना दरवाजे के पास, उसमें भी लगाया जाता है, तो वहां पे भी स्प्रिंग वायर यूज होता है। बस क्वालिटी का अंतर होता है, जो क्वालिटी रहता है जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए लाया जाता है वायर खींचने के लिए, उसका क्वालिटी थोड़ा हेवी रहता है ताकि जल्दी लूज नहीं होता है और हार्ड रहता है। और जो जनरल यूज किया जाता है घरों में, उसकी क्वालिटी थोड़ा कमजोर होती है। तो देखिए, सबसे बेटर होता है स्प्रिंग वायर, जो आपको हर जगह पे नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन से परचेज कीजिए। लेकिन मैं आपको समझा दूं, अमेजोन से परचेज ना कीजिए, नहीं मिलता है तब कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा होता है आप अपने मार्केट से लीजिए, सस्ता भी पड़ेगा प्लस देखने के लिए क्वालिटी भी मिलेगा। लेकिन क्या है, ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो क्या आपको पहुंचा देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। कोई एक ब्रांड तो ये है नहीं, एक मटेरियल है वो भी स्प्रिंग है, और बहुत तरह के इसमें मटेरियल आते हैं। इसलिए ये सब मटेरियल कोशिश कीजिए ज़्यादातर आप अपने मार्केट से परचेज करने के लिए। आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ पे कारपेंटर का मटेरियल वगैरह बिकता है, जैसे पेंट हुआ, नट बोल्ट हुआ, स्क्रू हुआ, उस जगहों पे मिल जाएगा जहाँ पे GI का वायर वगैरह मिल जाता है। जनरली बहुत से जगह पे नहीं मिलता है, तो इमरजेंसी में आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसके बाद रहा GI भी आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक के दुकान पे भी मिल जाएगा। अगर बात करें स्टील वायर की, तो वो भी आपको लगभग इलेक्ट्रिक के दुकान पे सभी जगहों पे मिल जाता है, शायद कुछ जगहों पे नहीं मिलता है तो वो भी हार्डवेयर पे मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक के दुकान पे ज्यादा चांस है कि आपको स्टील वायर मिल जाए। अब रही बात वायर कैसे खींचते हैं। देखिए, सबको मालूम है ये चीज कि वायर कैसे डाला जाता है अंडरग्राउंड वायरिंग में, फिर भी जो नए हैं उनका कहना रहता है कि हम डालते हैं तो वो नहीं जाता है। तो देखिए, उसमें थोड़ी थोड़ी पॉइंट होती है, जहां नहीं जाता वहां पे मोड़ कर डालना होता है, ये सब ध्यान में रखना होता है। स्प्रिंग भी है, उसको भी जब नचाएंगे तो जाएगा। स्प्रिंग वायर जो है वो लगभग आपका 3 से 4 बेंड को क्रॉस कर देता है, जो स्टील वायर है वो आपको 2 बेंड को क्रॉस कर देता है। लेकिन अगर लॉन्ग दूरी है तो 2 बेंड को उसी टाइम क्रॉस करेगा, एक साइड से एक बेंड लगाइए, एक साइड से एक बेंड क्रॉस कीजिए और एक साइड से मोड़ के फंसा के खींच लीजिए, तब काम करेगा। जो GI है वो छोटी दूरी के लिए होता है, ज्यादा दूरी के लिए नहीं होता है। दूसरा चीज, GI ज्यादातर यूज होता है पाइप में पहले ही GI डाल दिए और वायर खींचने के समय बांध के खींच लिए, बाद में GI डाल के वायर नहीं खींच सकता, यानी साथ में ही पाइप के GI डाल दिया जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे एक जगह पे आपको दिखाते हैं स्प्रिंग वायर से भी डाल करके, स्टील वायर से भी डाल करके और GI से भी डाल करके। हम क्या करेंगे, आपको GI और स्प्रिंग वायर और स्टील वायर सबको हम डाल देंगे पाइप में, या और वायर तो आपको नहीं खींचने वाले हैं, लेकिन कैसे डालते हैं, जो फंसता है पॉइंट जहाँ पे बेंड रहता है वहां पे नहीं जाता है, वो चीज हम आपको दिखा देते हैं। जब उधर निकल जाएगा तो उस साइड हम वायर को बांध लेंगे और खींच लेंगे। तो चलिए, इस चीज को हम आपको दिखलाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये है GI और हम आपको दिखला दें, ये सामने जो दिख रहा है ये है स्प्रिंग, जैसे ये इस टाइप का है। ये बहुत से लोग देखे होंगे जो घर में पर्दा लगता है वो ढकने के लिए कपड़ा का, तो आपके यहाँ क्या लैंग्वेज चलता है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको पर्दा ही बोलते हैं। उसको भी क्या करता है, लटकाने के लिए उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये स्प्रिंग वायर है। उसके बाद हम आपको दिखला दें स्टील वायर, ये रहा स्टील वायर, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। खास करके बहुत से जगह पे स्टील वायर ही काम करता है और स्प्रिंग वायर। GI तो नॉर्मल यूज होता है, जैसे कहीं पे छोटा एरिया है, जैसे कि छोटे जगहों पे बेंड, एक ही बेंड है छोटे जगह पे है तो हो सकता है, अगर लॉन्ग दूरी है तो स्टील वायर का ही इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए जैसे कि हम पहले इस तरह से बना रखे हैं, आपको भी बनाना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। और इसमें बेंड इस साइड है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इस तरह करने के बाद ये इसी साइड मुड़े, ये ज़रूरी होता है। चलिए अब इसके बाद मैं पाइप में डाल रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, ये चला गया पाइप और ये जा रहा है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। और ये चला गया और ये जा रहा है, अभी कहने का मतलब ये बेंड पार कर चुका है। जहाँ पे बेंड नहीं पार करेगा उस वहाँ पे ऑप्शन दूसरा होता है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये निकल गया, आपको दिख रहा होगा ये निकल चुका है, ठीक है। तो जीआई बहुत आसानी से दो बेंड को, अगर लॉन्ग दूरी नहीं है, छोटा दूरी है, तो आसानी से निकल गया, ठीक है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिर बाहर निकलता हूँ, उसके बाद एक ऑप्शन और मैं दिखाता हूँ। जैसे ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको वायर बाहर निकाल दिया हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया हूँ जीआई और एक ये लॉन्ग लिया हूँ। इसका ऑप्शन क्या है, जैसे कि ये, चलिए जैसे ये डाल रहा हूँ, ये तो आसानी से बेंड पे जाकर मुड़ जा रहा है, लेकिन बहुत से जगह पे जैसे कि कभी नहीं मुड़ता है, ये जैसे नहीं मुड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना होता है, इसको ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ के, अगर स्टील वायर है तो बहुत आसानी से मुड़ने के बाद चला जाएगा, अगर स्टील वायर नहीं है, जीआई है, तो कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा लूज होता है, लेकिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे। ये डालने के बाद क्या होता है, ये तो जाके निकल जा रहा है, लेकिन बहुत से जगह पे क्या होता है, ये जाता है लेकिन वो सेकेंड वाले बेंड पे जाके फंस जाता है, उसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसा कि ये बेंड हो गया, यहाँ पे क्या होता है, उधर से फंस जाता है, तो क्या करेंगे, टुकड़ा जीआई लेंगे और जीआई ऐसे डालेंगे इधर से, और इधर से क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं कुछ दूरी पे डालने के बाद, और इसको फंस जाता है इसमें जीआई, और उसके बाद खींच लेते हैं इस जगह पे, खास करके फंस जाता है, यहाँ से नहीं पार करता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, टुकड़ा जीआई चाहे स्प्रिंग वायर हो जाए या स्टील वायर हो जाए, यहाँ पे ऐसे लेंगे और डालने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से मोड़ने से ये होगा, वो क्या होगा, जीआई हो या स्प्रिंग हो या स्टील हो, उसमें फंस जाएगा, और फंसने के बाद क्या होगा, खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये फंस गया, क्योंकि ये मोड़ना कम हो गया, यानी जल्दी जल्दी नहीं मुड़ रहा है। अब इसको खींचेंगे तो ये खींचने के बाद देखिए बाहर आ गया, इस तरह से खींच लेते हैं, चाहे स्टील वायर हो या जीआई है, ये इस तरह हो जाता है। अब चलिए मैं एक बार इस पे इसे दिखाता हूँ, जैसा कि ये है स्प्रिंग वायर, ये स्प्रिंग वायर को फिर उसी तरह डालेंगे जैसे डालते हैं। अगर ये किसी बेंड के पास फंस जाता है, ऐसे तो स्प्रिंग वायर फंसता नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे फंस जाए तो ऐसे मोड़ के डालिएगा तो ये चला जाएगा। स्प्रिंग वायर से फायदा ये है, अगर आपके पास चार बेंड लगा हुआ है तो भी ये वायर खींच देता है, बस यही फायदा है। और स्टील वायर का फायदा ये है कि आपका लॉन्ग दूरी है तो वहाँ पे खींच दिया जाता है, ये देखिए वहाँ पे जाके निकल गया। ये यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे और सारे बहुत सारे वायर हैं जो पहले से डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, वायर डाल लूँगा, आपको जो भी वायर डालना है डाल के यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है, फंसाने के बाद। इसी तरह से स्टील वायर डाल लेंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वायर किस तरह खींचा जाता है, किस तरह अंडरग्राउंड का निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप के अंदर वायर डाल सकते हैं, जीआई वायर लगा करके, स्टील वायर लगा करके और स्प्रिंग वायर लगा करके, जैसे मैंने आपको दिखलाया कि पाइप के अंदर स्टील वायर, जीआई या स्प्रिंग वायर डाल दीजिए, या दूसरे साइड वायर को आपको बांध देना है और खींच लेना है, इस तरह से प्रॉपर तरीका होता है। ये आप बेहतर तरह से समझ गए होंगे आप लोग, फिर भी आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में बहुत सा सवाल होगा, बहुत सारा डाउट होगा, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि मैं उसे पढ़ूं, समझूं और हो सके तो मैं वीडियो बनाऊं। मैं इस वायर पुलिंग पर, यानी अंडरग्राउंड वायरिंग, पाइप के अंदर वायर कैसे डालते हैं, एक दो वीडियो और बनाने वाला हूँ, खास करके जो लॉन्ग दूरी होता है पाइप का और स्टील वायर डालते हैं तो नहीं जाता है, खास करके दो बेंड हो तो बिल्कुल नहीं जाता है, पाइप की दूरी ज़्यादा है तो स्टील वायर से, तो मैं वहाँ पे भी आपको स्टील वायर डालूंगा और वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि ज़्यादा दूरी है और दो बेंड है, क्या होता है, एक सेलिंग में है, एक होता है ड्रॉप हो गया, फिर एक क्या होता है वाल में, दो जगह ड्रॉप हो जाता है, तो दो बेंड जो होता है उसमें किस तरह से स्टील वायर डाल करके वायर खींचते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अगले पार्ट में, यानी अगली वीडियो बना सकता हूं, या हो सकता है आने वाली वीडियो में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।